अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबशर हुसैन, आप देख रहे हैं स्टिच स्टूडियो। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे ओवरलैप गला बनाना अस्कालफ के साथ। उसके लिए ये मैंने बुकरम ली है, ये इसकी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से नहीं कटिंग करनी है पट्टी। पट्टी हम जो है गले के ये आड़ी पट्टी निकालेंगे, आड़ी बुकरम इसको कटिंग करेंगे हम, क्योंकि आड़ी बुकरम ये थोड़ी घूम जाती है आसानी से, सीधी बुकरम जो है वो फिर मसला होता है। इसकी लंबाई जो है ये 40 इंच है। अब यहाँ से 1/4 इंच इसका एक निशान लगा रहे हैं हम, 1/4 इंच का। अब ये निशान सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच पर निशान लगाना है, निशान से 1/4 इंच इस साइड पे करके। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद ये स्कालफ का पैटर्न मैंने पहले कटिंग कर लिया है, ये 1/2 इंच इसकी लंबाई है और ये 1/2 इंच जो है ये चौड़ा है स्कालफ। तो इसको इस निशान हमने लगा लेने हैं पेंसिल से। ये इसी तरह इसको हमने सारे निशान लगा लेने हैं। इस तरफ से भी 1 इंच हम छोड़ देंगे। अब ये हम कटिंग कर लेंगे बुकरम। इसी तरह से ये सारे स्कालफ जो है हमने कटिंग कर लेना है। ये हम कपड़े पे इसको जो है चिपका देंगे। ये फिर इस्त्री से हमने इसको इस तरफ वाला कपड़ा बिठा लेना है। और ये दूसरे कपड़े पे रख के उस और इसको हमने ये कटिंग कर लेना है। अब यहाँ से हमने ये सिलाई सीधी लेके जानी है, इसके स्कालफ हम दूसरी सिलाई से फिर पलटाएंगे। अब ये स्कालफ की हम ये गुलाइयों की सिलाइयाँ लगा देंगे।
अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमने इसका ये कटिंग कर देना है। यहाँ पे ये हम कुटके लगा देंगे इसके नोकों में। अभी इसको हमने इस्त्री कर लेना है। ये साइड इस तरह ऊपर फोल्ड करके इसको भी बिठा देंगे कपड़े को। अभी इसका लेफ एक दूसरे के साथ मिला के इसका सेंटर का हम निशान लगा लेंगे। एक ये हमारा सेंटर है इसका पट्टी का। अब इस तरह इसको फोल्ड करेंगे जितना हमने ऊपर से गले का फैलाव रखना है इसका। तो हमने ये रखना है 5.5, तो इसका 5.5 का हाफ बनेगा 2.75। तो यहाँ से 2.75 रखेंगे इस नोक पे। डीप हम 7.5 पे इसका निशान लगा देंगे। अब इस्त्री से इसको हमने हल्का सा इसको इस तरह शेप देना है, घुमाना है इसको। इस तरफ से भी इसको थोड़ा घुमाएंगे हम गले को, वी शेप में इसको गुलाई देंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि बुकरम इसकी हम आड़ी कटिंग करेंगे सीधी, फिर वो बुकरम इस तरह घूमती नहीं। अच्छा, लेडीज़ में जो है सीधे हाथ की प्लेकेट ऊपर की तरफ होती है, लेकिन इसमें हम उल्टे साइड की जो पट्टी है वो ऊपर रखेंगे। ये इस तरह से तैयार आएगा। और हमने ये लगाना भी गुम तरीके से है, इसके ऊपर सिलाई हम नहीं लगाएंगे, गुम सिलाई से हम ये लगाएंगे। अब ये सेंटर का निशान जो है कमीज़ से मिलाना है क्रीज से, और इसको इस तरह फ्रंट के ऊपर हमने रखेंगे। ये बिल्कुल गला जो है इसके सेंटर में होना चाहिए, आधा शर्ट के ऊपर और आधा बाहर होना चाहिए। ये जहाँ तक पट्टियाँ पहुँच रहे हैं उससे 1 इंच 1.25 इंच ऊपर करके आपने निशान लगाना है, ताकि ये पट्टी जो है पूरी हो जाए, कम ना पड़ जाए। कि आप उसको ज़्यादा कटिंग कर दें नीचे तक गले को और पट्टी कम हो जाए, तो वो हिसाब किताब देख कर अपने वो रखना है। और यहाँ से इसके बराबर बिल्कुल निशान लगा देंगे। अब ये कटिंग हम निशान पे नहीं करेंगे, निशान से हम हटा के कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर बुकरम चिपका देनी है, जो नीचे का हमने निशान लगाया था। यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है ये 0.25 इंच है, तो हमने 0.25 इंच का हाफ यहाँ पे निशान लगाना है, आधे इंच से 1 सूत कम। इसको इस तरह क्रॉस में हम कटिंग करेंगे।
अब ये जो निशान है इस निशान पे हमने कटिंग नहीं करना, इससे हटा के कटिंग करना है हमने। जितना हम गले में दबो लेंगे वो हमने छोड़ के कटिंग करना है निशान से। पट्टी लगाने में जो हमने दबाव लेना है वो छोड़ के हम इसको कटिंग कर देंगे। अब इसके हमने शोल्डर पहले जोड़ लेंगे। लेडीज़ में सीधे हाथ की प्लेकेट ऊपर होती है, लेकिन हम इसमें जो है उल्टे हाथ की जो पट्टी है वो ऊपर की तरफ कर रहे हैं। सिर्फ इसमें ऐसा कर रहे हैं, आप जो है सीधे हाथ की ही पट्टी ऊपर की तरफ करें। अब ये जो हमने नीचे 7.5 का निशान लगाया था उसको हम इस तरह मिलाएंगे। और ये जो कपड़ा है इसको हटा लेंगे इस तरह से, ये इधर कर लेंगे। यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे। इस पट्टी के अंदर इस तरह से हमने ये सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग गई अंदर की। अब इसको हम गले को इस तरह से रखेंगे। ये इस तरह इसको हमने ये सिलाई लगानी है। यहाँ से सेंटर से शुरू करेंगे, ये जो निशान मैं लगा रहा हूँ। ये गले के कपड़े को जो है खींचना भी नहीं है और उसको नम भी नहीं देनी है। बिल्कुल जैसा है वैसे ही उसको रख के ये हमने पट्टी लगानी है। खींचना भी नहीं है और उसको नम भी नहीं देनी है।
इस तरफ से हमारी लग गई है। अब ये दूसरी तरफ से हमने इसी तरह से इसको लगाना है। ये निशान जो है यहाँ पे सिलाई हमारी आके पूरी होनी चाहिए ताकि पट्टी जो है दोनों तरफ से बराबर हो। आगे पीछे होगी तो फिर ये हमारा गला घूम जाएगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से पट्टी बराबर लगे। तो अब इसको हमने जो है तुरपाई कर लेना है। ये इस तरह से दबाओ इसका अंदर करके, लेकिन पहले ये वाली हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, ये उसके बाद हम इसकी तुरपाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मसला होगा इस जगह पे, तो यहाँ पे हम आपने स्कालिफ के अंदर से जो है टांका गुजारना है। तो अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।